सिद्दीक सुभान अल्लाह सलामत रहिए। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि सिद्दीक तुम में 360 की 360 सारी मौजूद है। बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस हस्ती का जिक्र करने लगा हूं जो मुसलमान भी पहला, सहाबी भी पहला और खलीफा भी पहला। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो हमारा सियासी खलीफा भी है और जो हमारा रूहानी खलीफा भी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो खलीफा बिला फसल है। बोलो सुभान अल्लाह। आइए उस हस्ती का जिक्र करते हैं कि जिनके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया तो मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया, पर सिद्दीक की जो वो गार वाली नेकी उसका बदला मैदान महशर में रब ताला अता फरमाए। आप समझ सकते हैं वो नेकी कैसी होगी है? मुझे तो वो हिजरत की रात याद आ रही है जब मुस्तफा करीम ने हिजरत की रात को बिस्तर पर मेरे मौला अली को सुनाया और अली वालों झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। और फिर सिद्दीक के घर पर पहुंचे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी दरवाजा फौरन खुल गया। सिद्दीक मजमून अर्ज कर रहा, तुम दरवाजे पे ही खड़े हो। सिद्दीक एक बार अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह इस रात का तो मुझे कब से इंतजार था। अब सोच सकते हैं आप कि कांधों पर सिद्दीक अकबर के बैठकर मुस्तफा करीम गार तक तशरीफ ले गए। अरे भाई मैं कहता हूं मुस्तफा करीम ने सिद्दीक के कानों पर सवारी करके सिद्दीक अकबर को मेराज अता फरमा दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ ये कमजोरों वाली आवाज नहीं चाहिए, जरा जज्बे से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बोलो सुभान अल्लाह। उस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं। ईमानदारी से बताओ जब हम मुस्तफा करीम का जिक्र करते हैं तो रब ताला खुश होता है, और जब हम सिद्दीक अकबर का जिक्र करते हैं तो सिद्दीक के आका मुस्तफा करीम खुश होते हैं। अब जो सिद्दीक अकबर को मुस्तफा करीम को राजी करना चाहता है वो मेरे साथ मिलकर इस कलाम में शामिल होगा। सालार सवाबा सालार सवाबा वो पगला खलीफा सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा का नारा हमारा। मैंने कहा हर सुनने का नारा। दिल में नहीं लगता, दिल से लगता है बाहर आता है। हमारी पाक फौज जब बॉर्डर पे नारा लगाती है ना, इधर भी वर्दी ने उधर भी वर्दी, बॉर्डर के उस तरफ भी, इधर भी असला पर उधर भी असला, पर इधर ईमान की ताकत। इधर से तो खाली नारा बुलंद होता है तो वहां पेंटे गीली हो जाती है। ये सही बता रहा हूं, ये नारों की पावर ईमान की पावर है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा हर सुनने का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुनने का नारा सिद्दीक हमारा। दुनिया सदा सतम तेरा नाम रहेगा, दुनिया सदा सतम तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से सलाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से सलाम रहेगा। का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुनने का नारा सिद्दीक हमारा। मुस्तफा का हम सफर अबूबकर अबूबकर। दुआ देता हूँ, दुआ देता हूँ अंजुमन नौजवान आने अहले सुन्नत वालों, दुआ देता हूँ जो बंदा कहे दो मरतबा अबूबकर अबूबकर, मौला अली के हाथों जन्नत का परवाना मिल जाए। आप कहेंगे क्या मतलब ताहिर कादरी बोलेगा अबू बकर अबू बकर परवाना मिलेगा जन्नत का, वो भी मौला अली के हाथों? मैंने कहा हाँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। एक मरतबा सैयदना सिद्दीक अकबर मौला अली को देख रहे मुस्कुरा रहे हैं। अली ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सिद्दीक अकबर कहने लगे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, कयामत के दिन परवरदिगार जन्नत के परवाने अली के हाथ में देगा, अली जिसे चाहेगा जन्नत में भेजेगा। सिद्दीक अकबर को देख रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं,
सिद्दीकी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे? अली कहने लगे मैं भी तुम्हें हुजूर का फरमान ना सुनाऊं कि अली जन्नत का परवाना उसे ही देगा कि जिसके सीने में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी। अब समझे नारे का पावर, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर दो मरतबा अबू बकर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अली अली नगर नगर जिसके अर्श पर सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा हर सुन का नारा सिद्दीक हमारा हर सुन का नारा